नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां एम्बुलेंस के पीएम अमित वर्मा ने शक के आधार पर एमटी मनमोहन कर्मचारी को कराया बाहर। साथ ही बात होगी कल्याण की, जहां बढ़ती आबादी को देखते हुए बिल्डर कल्याण के गांव में बैठकर बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रहे हैं, और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में थाना नागल पुलिस द्वारा दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। इस समय अंबेडकर नगर में एम्बुलेंस का फर्जीवाड़े का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। इस पर एम्बुलेंस के पीएम अमित वर्मा शक के आधार पर दूसरे जिले में कार्यरत कर्मचारी को कंपनी से हटवा चुके हैं और मौखिक आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में एम्बुलेंस के खिलाफ खबर चल रही है, उसमें मनमोहन का हाथ है और मीडिया वाले अमित मांझी मनमोहन के भाई हैं, जबकि मनमोहन प्रजापति हैं और पत्रकार मांझी समाज से आते हैं। आखिर कैसे दोनों भाई हैं? आखिर प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा शक के आधार पर दो जाति को एक जाति बताकर जीवी के कंपनी में शिकायत कर दी है। अमित वर्मा को लगता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उन्होंने दूसरे को निशाना बनाकर चालू कर दिया। लेकिन ये तो समय ही बताएगा फर्जीवाड़ा जारी रहेगा या अमित वर्मा जाएंगे। तो हाँ, अपना पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अमित मांझी पत्रकार। तो क्या मामला है जो इस तरीके आपको सामने आना पड़ा कैमरे में? असल बात, हम लोग पत्रकार हैं, सामने आते ही रहते हैं। मामला है कि अंबेडकर नगर में हम लोग ने मिलकर एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा रोकने नहीं चलाया, और यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा जी हैं जो बहुत ही फातिर दिमाग के हैं, इतना फातिर दिमाग शायद भगवान के भी ना हो, जितना फातिरपना करते हैं। मामला है कि हम लोग न्यूज़ चलाया यहाँ पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, फर्जीवाड़ा काफ़ी हद तक रुक गया है। कहाँ की न्यूज़ चली थी? अंबेडकर नगर पूरे जिले में चल रही है। बखारी चला, टांडा चला, जलालपुर चला। तो हुआ क्या इस बीच में, क्या हो गया? तो अमित वर्मा को लगा कि हमारे गांव के कुछ, हमारे आसपास के कुछ एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, करते हैं भाई, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको फक लगा कि फला आदमी अर्थात मनमोहन प्रजापति, जो अभी उनका वीडियो मनमोहन का आया है, वायरल हो रहा है, उसके हिसाब से कि अमित मांझी मनमोहन के भाई हैं। अब सवाल यह उठता, आप ही सोचिए, अमित वर्मा का दिमाग फेल हो गया है? क्योंकि अधिकारी हैं, दिमाग फेल होना लाजमी है, क्योंकि अपना गर्दन बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो वीडियो मनमोहन का सामने आया, मनमोहन प्रजापति हम मांझी, आप ही बताइए दोनों कैसे एक भाई हो सकते हैं? वो प्रजापति हैं और आप मांझी हैं, दोनों एक बिरादर बना दिया गया दोनों, और अमित वर्मा के द्वारा बनाया गया है, अमित वर्मा के द्वारा। और यह बात हम नहीं कर रहे, मतलब इसकी शिकायत जो हुआ, जो टर्मिनेट हुआ वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो टर्मिनेट हुआ मनमोहन, हाँ हाँ, उसको आपके जाति से जोड़ दिया गया, हमारे जाति से जोड़ दिया, हमारा भाई बना दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि तुम अम्बेडकर नगर में काम कर रहे थे, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा भाई है। हम नहीं बोल रहे, मनमोहन का वीडियो बोल रहा, वायरल हो रहा है। अच्छा, तो अमित वर्मा जो प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं, इनका ये कहना है, और इसी पे शिकायत करके उसको टर्मिनेट करवा दिए उस कर्मचारी को। भाई अपनी पावर दिखा रहे हैं, और यह पावर इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ के जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जांच प्रक्रिया लंबी दिखा रहे थे, फायदा उठा कर दिए। लेकिन मैं अमित वर्मा से कहना चाहता हूँ, आप तो अमित वर्मा हैं और मैं हूँ अमित मांझी, दोनों ही अमित हैं। अब देखते हैं कि अमित वर्मा फर्जी केस करवा पाते हैं या अमित मांझी फर्जी केस रुकवा पाते हैं, तो समय ही बताएगा। फिलहाल मेरा दावा है, जब तक मैं रहूँगा अंबेडकर नगर में फर्जी केस नहीं होने दूंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल ये दो जात के और एक जात में मिला के उसकी शिकायत करके टर्मिनेट करवा दिया गया, यह शातिर ही दिमाग कहा जाएगा। बहुत बड़ा शातिर, अब शातिर अपना भी देखिए, क्योंकि हमारे पास एक चीज और है, अमित वर्मा ने कहा 2017 के पहले और बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। अरे तो कंपनी भी चोर है यार, कंपनी भी चोर है। एक मिनट, कंपनी इतनी बड़ी चोर है, मैंने कंपनी पर शिकायत किया, अरे उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया कंपनी वाले, तो कंपनी भी चोर करवा रही है। इसके मतलब पूरी, हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो आर्यम अजय सिंह हैं, वो तो महाचोर हैं। हमारे सामने खुद भी जो हम गए थे तो समझा रहे थे, कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सबके सब चोर हैं, थोड़ी ना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनमोहन। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मनमोहन है, मैं एमटी के पद पर कार्यरत हूँ जिला महाराजगंज में।
मेरा टर्मिनेशन हो गया है। इसके पहले आप कहाँ थे? जिला अंबेडकर नगर में ड्यूटी करता था। हाँ, तो सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो ऑडियो जो वायरल हुआ है वो हमारे सीनियर हमसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अमित वर्मा। किस पद पे हैं? वो PM हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं। क्या बात हो रही है उसमें? उसमें हमको बता रहे हैं कि सिंगल केस 10 कर लीजिए, उसके बाद जो है 2B 3B कीजिए, मतलब एक आईडी पे 2 मरीज 3 मरीज एक साथ ले जाइए, एक आईडी पे 2 या 3 ID लगाइए। हाँ, केस कीजिए। हाँ, ये उनका आदेश है। ये उनका आदेश है। तो इसके पहले आप अंबेडकर नगर में थे जी, किस बेस पे वो शक किए हैं आपका टर्मिनेशन जो आदेश आया है? जी, हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो मीडिया वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे गांव के हैं, और हमारा ट्रांसफ़र अंबेडकर नगर से ज़िला महाराजगंज हो गया है, इसीलिए मेरा टर्मिनेशन हुआ है। ये मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा है। आप क्या इस आरोप पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं कहना। क्या आपका संबंध है उस मीडिया से? कोई संबंध नहीं है, मेरा मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मीडिया है हमारे गांव के हैं, वो माझी परिवार के हैं, हम प्रजापति हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। लेना देना कोई नहीं है इनसे? कोई नहीं है। दूर दूर तक? दूर दूर तक एक साल हुआ है, मीडिया वाले भाई से मेरी बातचीत तक नहीं हुई है। बातचीत नहीं है? नहीं। सुनने में कुछ और बातें आई हैं कि आपके सीनियर जो हैं किसी आपके साथियों से भी इस तरह से, और कहीं से शंका है आपके टर्मिनेशन के बारे में? जी, अंबेडकर नगर के जो PM सर हैं, हमारे कुछ मित्र हैं अंबेडकर नगर, जहां हम पहले ड्यूटी करते थे जी, उनके पास कॉल करके दबाव बना रहे थे कि हमको लिखित में दे दो कि जो मीडियाबाजी अंबेडकर नगर में हो रही है मनमोहन के इशारे पर ही हो रही है, ये मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं जी। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कैमूर जिला प्रशासन ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर कटिबद्ध हैं, तो वहीं कैमूर जिले के भभुआ नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व के साथ इस भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा शहर के कई वार्डों के खराब पड़े चापाकलों को चिन्हित कर तत्काल चालू कराया गया है, ताकि भीषण गर्मी में पानी के लिए लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सके। इसके साथ ही शहर में कई जगहों पर भी प्याऊ का भी व्यवस्था की गई है, ताकि सड़क पर चल रहे लोगों को पानी की किल्लत ना हो सके, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में कई पुलिस के जवान बाहर से आए हैं, खासकर उनके लिए ही प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। अच्छा, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें आपके नगर परिषद द्वारा किस प्रकार से तैयारी की जा रही है? देखिए, हम लोग को सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन प्राप्त हुआ है, उसी के माध्यम से हम लोग चापाकल 1 से 25 वार्डों में चापाकल बिगड़ा हुआ था, गर्मी बेतहाशा है, उसको मद्देनजर देखते हुए 40 से 42 चापाकल की हम लोगों ने मरम्मती करा रखी है। 11 से 12 पियाऊ हम लोग का शहर में सुचारू रूप से चल रहा है, और इसके साथ साथ सामुदायिक जो भवन है जहां पे निर्वाचन होना है, जहां पे मतदान होना है, वहां पे सारी व्यवस्था हम लोग कर, वहां पे पानी की नल जल की सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और जहां स्कूल में पड़ा हुआ है वहां पर स्कूल द्वारा उसकी मतलब व्यवस्था करना है, अगर वहां भी आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग अपना नल जल के द्वारा पानी वानी की सारी व्यवस्था सुख सुविधाएं दे रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी जो बाहर से आए हो उनके लिए? हाँ, सुरक्षा कर्मी भी जो बाहर से आए उनके लिए भी हमारे नगर में जो अवस्थित है वहां पे हम लोग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ तक कि विद्यालयों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो लोग भी हम ही लोग करवा रहे हैं, शौचालय हुआ चाहे जो भी व्यवस्था है साफ सफाई सारे हम लोग सुदृढ़ रूप से करा रहे हैं, और उस दिन जनता जाएगी मत देगी, अपना मत देना अनिवार्य है। जनता से पहले एक अपील मैं बार बार करना चाहता हूं कि भभुआ की जितनी ही जनता है अधिक से अधिक आप लोग घरों से बाहर निकले और मतदान का प्रयोग करें, आपका वही शक्ति है, एक वोट का इतना ताकत होता है कि आप अपना ताकत को समझिए और सारे लोग मतदान अधिक से अधिक कीजिए। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
कल्याण में बढ़ती आबादी को देखते हुए बिल्डर कल्याण के गांव में बैठकर बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसा ही मामला कल्याण पश्चिम के गौरीचाड़ा में देखने को मिला, जहां बिल्डिंग के लिए बिजली लाइन, पानी कनेक्शन, अन्य लागत जैसे महत्वपूर्ण उपयोगिताओं की आवश्यकता है। सर्वे क्रमांक 52 एवं सर्वे क्रमांक 52-13 में प्रस्तावित डीपी रोड एवं वाटर चैनल बिछाने का काम शुरू किया है। कुछ ग्रामीण गड्ढों में बैठकर इसका विरोध कर रहे थे। स्थानीय निवासियों का कहना है, एमएस डेवलपर्स ने 12 मंजिल टावर बनाए हैं और हमारी ज़मीन पर बिना कोई मुआवजा दिए निवासियों का रास्ता रोका जा रहा है। हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका की प्रस्तावित डीपी रोड हमारी ज़मीन से होकर गुजरती है और हमने उक्त ज़मीन किसी को हस्तांतरित नहीं की है और हमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मिला है। साहब, माझं नाव द्वारकानाथ आत्मारान म्हात्रे। विषय आज जे जबरदस्ती करण्याचा पोलिसांकडनं प्रयत्न झालेला आहे साहेब, आमच्या मालमत्ता 50:2 आणि 52:13 आणि 47:1:2 या मालमत्तांचा आम्ही महापालिकेला सरेंडर केलेला नाही आणि कुठल्याही प्रकारचा मोबदला घेतलेला नाही। तरी आमच्यावर KDMC कडून राजकीय दबाव हणून गेल्या एक मेपासून KDMC मधनं आम्हाला फोन येत होते का गुन्हे दाखल होतील असं तसं। साहेब, म्हटलं आम्ही जागा सरेंडर केली नाही तर गुन्हे दाखल व्हायचा प्रश्न कुठे येतो। तर मग 47:3 जी जागा आहे, महापालिकेत अधिकाऱ्यांसोबत आमची बैठक झाली, त्या बैठकीला टेंगले साहेब, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर घोडे साहेब उपस्थित होते आणि त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं का जी जागा तुम्ही सरेंडर केलेली आहे त्या जागेत तुम्ही पाण्याच्या लाईनीला अडवू शकत नाही, परंतु जी जागा सरेंडर केलेली नाही तिथे आम्ही काही करू शकणार नाही असं अधिकारी बोलले। आणि आज जेव्हा लाईन टाकायला हे आले तेव्हा जी जागा सरेंडर केली नाही त्या जागेतसुद्धा पोलिसांमार्फत जबरदस्ती लाईन टाकण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्या पोलिसांच्या कृतीला आम्ही सर्व गौरीपाड्यातील गरीब शेतकरी 200 शेतकऱ्यांनी आम्ही इथे आत्मदहनाचा इशारा देत आम्ही त्याला विरोध केलेला आहे। आणि तुमच्यामार्फत आम्ही शासनाला हे सांगू इच्छितो का आपले गृहमंत्री म्हणतात की हे सामान्यांचं सरकार आणि शेतकऱ्यांच्यावर अत्याचार करून हे बिल्डर धार्जीने हे सरकार वागतं हेच का सर्वसामान्यांचं सरकार, ही कुठली हुकुमशाही चालू आहे? जी जागेचा आम्ही मोबदला घेतला नाही किंवा महापालिकेला सरेंडर केली नाही त्या जागेत आम्हाला शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाते, याचा कुठेतरी आम्हाला न्याय मिळावा ही आपल्यामार्फत मी या शासनाला विनंती करतो। माझं नाव विश्वास म्हात्रे, आम्ही इथले स्थानिक शेतकरी आहोत आणि या शेतीचा आम्ही या जागेचा कुठलाही मोबदला घेतलेला नाही। तरी सरकारकडून आणि आपले राजकीय नेते आणि मुस्लिम बिल्डर्स यांच्याकडून आमच्याकडे पोलीस प्रशासनामार्फत दबाव आणून ही आमची जागा मोबदला न देता हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि यासाठी खूप आम्ही मेहनत केलेली आहे। आम्ही यासाठी पूर्वी अर्जही केलेले आहेत आणि ही जागा न्यायप्रविष्ट आहे याचे आम्ही पूर्वी अर्जही केलेले आहेत। तरी वारंवार आम्हाला शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जातो, गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे कुठेतरी थांबवण्यात यावे हीच आमची नम्र विनंती। कल्याण से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मिर्जापुर चुनार पत्रकारिता समाज के लिए दर्पण का काम करती है। वह संवैधानिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं के साथ ही समाज की निगरानी का कार्य करती है, इसलिए पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी अधिक है। ये बातें नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया यूपी की मिर्जापुर इकाई द्वारा गुरुवार को नगर के बालूघाट स्थित पांडे बेचन शर्मा उग्र पुस्तकालय में आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कमलेश ने कही। उन्होंने पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और उसके विभिन्न स्थितियों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि पत्रकार होने से पहले आप सब एक स्वच्छंद नागरिक हैं। आप सभी को यह आत्मावलोकन करना होगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं संदेहास्पद हो जाती हैं, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की विश्वसनीयता कायम है। इस दौरान जिला संगठन मंत्री उमेश केशरी, कोषाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, जिला कार्यकारिणी कविंद्र साहू, चुनार तहसील अध्यक्ष जितेंद्र मड़िहान, तहसील अध्यक्ष संत कुमार, मनीष रंजन,
आदि पत्रकार सदस्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने एवं संचालन जिला महामंत्री शंकर शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। अतिथि ने उपस्थित सदस्यों से आगामी 1 जून को स्वयं मतदान करने, आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई। मुख्य रूप से जो स्वतंत्र मीडिया, जिसको हम सभी जानते हैं कि अपने चौथा स्तंभ कहा जाता है, मूल उद्देश्य अपने देश के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में और समाज के हित में जो स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं बिना किसी अवरोध का, इन विषयों पर चर्चा हुई। और मतदाता जागरूकता पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर अभी हम 1 महीने से लगातार मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समाज को एक अपने लेखनी के माध्यम से जागरूक कर रहे थे कि समाज में वोट का कितना महत्व है देश के लिए। इसलिए हम सभी अपना मतदान करें, इसके साथ साथ अपने आसपास पड़ोसियों को भी मतदान केंद्र तक पहुँचें। अगर इस प्रकार की कहीं वृद्ध या कहीं किसी प्रकार के समस्या है तो उनको पहुंचाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, ये भी हम सभी अपने इस गोष्ठी में चर्चा की। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1826 में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार उदंड मार्तन प्रसारित हुआ था, जिसके अवसर पर, जिसके प्रसारण के अवसर पर हर वर्ष हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन करते हैं। उसी क्रम में आज नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की जिला इकाई मिर्जापुर के तत्वावधान में चुनार नगर के पांडे विजय शर्मा पुस्तकालय सभागार में यह हिंदी पत्रकारिता दिवस एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पत्रकारों को आज पत्रकारिता दिवस पे क्या संदेश दिए हैं आप? पत्रकारों, पत्रकारिता से जुड़े हुए साथियों के लिए यही कहना है कि अपनी लेखनी को बेसुचिता बनाए रखें और बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के तटस्थ होकर के पत्रकारिता में लेखन करें, क्योंकि वह दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। और आज जो क्षेत्रीय साथी हमारे हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, उनके साथ उनका जो है जोखिम भी बढ़ा है, उन दोनों को ध्यान रखते हुए उनको पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता को एक बुलंदी मिली। आज पूरे देश भर में लगभग 1,15,000 प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन आज हम बता दें केवल 47 लाख प्रकाशन हिंदी जगत से। ये हमारे हिंदी पत्रकारिता जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे जनपद इकाई के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहेंगे, पिछले बार हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे हिंदी पत्रकारिता दिवस में अपने सांसद विधायक के माध्यम से एक पत्रकारों के लिए एक बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए कि हमारे बीच में संगठनात्मक अभाव है। कभी कभी हम लोग दूसरे संगठन से, कोई कहता है हम दूसरे संगठन से हैं, ऐसे मतभेदों के कारण हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बातों को नहीं सुन पाते। हम चाहते हैं कि सारे संगठन के लोग एक मंच पे, जिला स्तर के अध्यक्ष लोग बैठ के उसको एक ऐसे सूत्र में, माला में पीरों को एक मजबूती प्रदान करें कि हमारी बात सत्ता शासन तक पहुँचे। जैसे विगत वर्षों में नमक रोटी का हमारे छोटे साथी रहे पवन जायसवाल जी, जिनकी आवाज़ को हम लोगों ने लखनऊ सचिवालय तक उठाया, हमारी बातें सुनी गई। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनको आपको सुनना है, उनके पास काफ़ी अनुभव है, हम चाहते हैं कि उनको आप सुने। एक बात और मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं, जैसे वरिष्ठ साथी हैं जिसका उम्र पत्रकारिता जगत में 60 साल बिता चुके हैं, ऐसे लोगों को एक सूचीबद्ध करके शासन द्वारा, जैसे लोकतंत्र सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कुछ आर्थिक मदद मिलती है,
वैसे ऐसे वरिष्ठ साथियों को सूचीबद्ध करके आपके माध्यम से शासन द्वारा व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि उनको ताकत मिले, वो साहस पूर्वक अपना अपना काम अपने समाज के प्रति रहें। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। थाना नागल पुलिस द्वारा दो छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के 11,000 रुपए नकद व एक चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नागल के कुशल नेतृत्व में 29 मई को थाना नागल पुलिस टीम के द्वारा गश्त के दौरान जनता की मदद से दो शातिर चोरों प्रशांत पुत्र प्रवीण व विशाल पुत्र बिट्टू निवासीगढ़ ग्राम ढगेगड़ा थाना नागल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।